हे गाइस, सभी को स्वागत है इस नए चैनल में। तो गाइस, मैं यहां से बात कर रहा हूं एक नया ऐप्स के बारे में, जहां पे मैंने नाम दिया हूं फोन इन्फो प्रो, जहां पे डिवाइस इन्फो, सेंसर एंड आपको सिम यूएसएसडी का बारे में बताएगा एंड रिलेटेड। तो यहां पे ये ऐप्स का कुछ इंटरफेस इस तरह है, जहां पे तीन बटन अलग सा बनाया गया है, जहां पे डिवाइस रिलेटेड एंड सेंसर रिलेटेड अलग अलग है। एंड इसमें अगर जिसमें क्लिक करते हैं तो अलग सा हम लोग क्या किए हैं, एक अरेंजमेंट बनाए हैं, एंड जहाँ से डिवाइस इन्फो में आपको सीरियल नंबर, IMEI नंबर या आपका जितना भी बिल्ड नंबर से लेकर हर चीज़ का हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सारे यहाँ पे शो करवा देता है, ठीक है। एंड उसके बाद में सिम इन्फो, हमने यहाँ पे आप लोग अगर गूगल में सर्च करेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल वोडाफोन USSD कोड, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कुछ यहाँ पे आ जाता है कि डाटा बैलेंस दिखने के लिए आपका बहुत सारी चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंड साथ में कोड मिल जाता है। तो इसी कोड को सिर्फ पेस्ट कॉपी पेस्ट किया हूँ, बाकी कुछ नहीं। एंड यहाँ पे इस तरह ये एयरटेल से लेकर वोडाफोन से लेकर आइडिया जितना सारा कंपनी है इसका एंड एंड्रॉइड USSD कोड जो आप लोग रहता है, ये सारा चीज़ को लेकर आप बढ़िया से ऐप बना सकते हो। एंड लास्ट में बनाया हूँ एक सेंसर इन्फो, जहाँ पे जितना सारे सेंसर रहता है मोबाइल में वो अगर होगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ये कुछ ऐसे बनाए हो। तो अगर ये तो है सिंपल सा ऐप, लेकिन इस ऐप को अगर आप लोग प्रमोट करवाएंगे चाहे किसी भी जरिया में, तो आप लोग अच्छा खासा डाउनलोड मिल सकते हैं, अच्छा खासा इनकम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों को जरूर पड़ता है। इस टाइप का ऐप्स बहुत ट्रेंड में चलते हैं, जो बनाना इस ऐप को बहुत आसान है। तो सिंपल सा हमने कोडलर में ओपन किए हैं, एंड यहाँ पे कोई भी चीज़ आप बनाने से पहले आप सब लीजिएगा, एक अरेंजमेंट बना लीजिएगा, दो तीन बटन जैसे बताया था तो उससे ही दो तीन बटन बना लीजिएगा। ये एक्चुअली डेमो के लिए, मैं आपको डेमो तो ज़्यादा दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऑलरेडी मेरा वीडियो भी बना हुआ है तो काफ़ी सारे, उसको अगर फॉलो करोगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ से सिंपल सा जैसे कैसे काम करते हैं बता देता हूँ। जैसे मैं दो तीन लेवल ले लिया, जिसके जरिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए आसान होगा। तो आप लोग यहाँ पर जाइए, सेंसर में लिस्ट में है, सेंसर में आप लोग देखिए कितना सारे सेंसर ऑलरेडी बनाया गया है। तो सेम चीज़ आप ये वाला सेंसर ले लीजिए, आपको जायरो सेंसर ले लीजिए, ग्रेविटी सेंसर ले लीजिए। तो कुछ इस तरह मैंने दो तीन सेंसर यहाँ पे खींच लिया, तो इसका डाटा हम यहाँ पे शो करा पाएंगे। तो इसी वजह से सिंपल सा हम लोग ब्लॉक्स में जाते हैं, लेवल वन में यहाँ पे जैसे ही हमारा एक बटन बनाएंगे तभी जाके शो होगा। बटन वन क्लिक करने से ये लेवल वन में डाटा जाकर यहाँ पे शो हो जाए टेक्स्ट में, कौन सा सेंसर का ना एसिलेमीटर जो कौन सा नाम है सेंसर ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे इस तरह। एंड लेवल टू के लिए ऐसे डुप्लीकेट किया तो लेवल टू गया, एंड यहाँ पे ये वाला सेंसर को करता हूँ डिलीट। एंड अभी जायरो सेंसर, जायरोस्कोप कौन सा लिख रहा है, तो यहाँ पे इसको डाल दिया। तो कुछ इस तरह ही बना सकते हैं। सेम चीज़ ग्रेविटी सेंसर, क्या यह है, तो ट्रू फॉल्स ऐसे करके आप लोग बना लेंगे। जो मेरे हिसाब से इसको बनाना बहुत ही आसान है, एंड आप लोग विजिबल एंड हाइड करके ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली हो जाता है बटन वन क्लिक करने से, ये लेवल में ऑटोमेटिक शो होना शुरू हो जाता है। एंड उसका पहले आप इसको अरेंजमेंट का अंदर में डाल दीजिएगा, जिसका जरिए में आप लोग को एक ले लीजिएगा वर्टिकल स्कोर अरेंजमेंट, एंड इसको विथ हाइट को फिल टू पैरन करिए, उसका अंदर में जितना सारे सेंसर डालिए लेकिन ये स्क्रोल होते रहेगा। तो ऑटोमेटिक इसको इस तरह खींच लीजिए, तो ऑटोमेटिक इस तरह ये काम करता है। तो ये क्या होगा, बटन वन क्लिक करने से इसको विजिबल करिएगा, एंड बैक करने से इसको विजिबल हटा दीजिएगा, इसको एनेबल कर दीजिएगा। इसका ऊपर सेपरेट वीडियो मतलब बहुत सारे चीज़ बनाए गए हैं, आप उसको फॉलो करिए। तो अभी मेरे हिसाब से ये कहने का मतलब था कि भाई यहाँ से आप लोग अच्छा खासा बना सकते हो। अभी जैसे बताया सेंसर के बारे में, तो डिवाइस के लिए आप लोग सिंपल सा यूटिलिटीज में जाइए, एंड यहाँ पर डिवाइस टूल ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे। तो ऐसे ही आप लोग मान लीजिए बॉटम टू क्लिक करना से हमारा सारा इन्फॉर्मेशन शो हो, तो यहाँ पे मान लीजिए ये लेबल है, यहाँ पे भी इस तरह किया, एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिया। एंड डिवाइस टूल का अंदर सारे चीज़ ये ऑप्शन है, चाहे आपको मान लीजिए गेट IMEI नंबर या सीरियल नंबर, तो दोनों को कुछ इस तरह करिए, एंड वापस गेट सीरियल नंबर करिए। ये दोनों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सभी में सेम है। यहाँ पर गॉट सीरियल नंबर एंड गॉट IMEI नंबर, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए इसका अंदर इसको डालना है तो कुछ इस तरह डालिएगा, एंड सीरियल नंबर लाकर इसमें इस तरह पुट कर दीजिए। सेम चीज़ आप कोई भी एक लेवल ले लीजिएगा, एग्जांपल के लिए मान लीजिए तीन लेवल, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे तीन नंबर ले लिया था। तो आप लोग ये ऐसा नहीं करना है, मतलब जैसे मैं समझा रहा हूँ एक डेमो के लिए, एंड यहाँ पे IMEI नंबर, तो क्या होगा ना, पहले कॉल किया फिर यह आ गया, तो इसको किया इस तरह एंड इसको निकाल दिया। एंड अभी मान लीजिए कुछ और एक दो चार लेवल अगर डालना है डाल दीजिए, एंड यहाँ पे भी और अलग सा और बहुत सारे ऑप्शन है, जहाँ पे आपको मिलेगा बिल्ड नंबर, कंट्री कोड, डिवाइस नेम, फिंगरप्रिंट, हार्डवेयर, सारे चीज़ का यह है। आपको खाली ऐसे लाना है एंड उसको पोर्ट करना है, मान लीजिए बिल्ड नंबर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह डालना है एंड इसको अंदर घुसा देना है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इस
इसका जरिए मैं आप लोग जैसे बताया बढ़िया से ऐप बनाकर आप मज़ा ले सकते हैं। एंड जैसे ही मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आप लोग को साइड बार मेनू से लेकर बहुत सारे चीज़ मैंने दे चुका हूँ, उस साइड बार मेनू लेकर प्रोफेशनल तरीके से बनाना चाहते हैं बना लीजिए। एंड ये जो मैंने ऐप बनाया था, ये ऐप को अगर देखेंगे कुछ भी नहीं है, नीचे के साइड में प्राइवेसी पॉलिसी मोर ऐप रेट ऐप एंड फेसबुक पेज ये चार बटन बनाया गया है। एंड बाकी ये तीन बटन में तीन अलग अलग अरेंजमेंट से मैं बनाया हूँ। तो इस तरह आप बनाना मतलब इतना आसान है आप लोग नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल दिया हूँ, सभी को फॉलो करिए। जैसे यहाँ पे बहुत दिन पहले ही बना दिया था कैसे कैसे काम करता है, कैसे हाइड विजिबल होता है, तो उसको देखेंगे तो बढ़िया से बना सकते हैं। इस तरह ऐप बना के आप प्रमोट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एडवो का ऐड लीजिए या फेसबुक का ऐड लीजिए, तो दोनों में काम सही से करता है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर कुछ चाहिए क्वेरी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताओ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में।